तो गाइज यही रहा वर्सोवा बीच कुछ। तो गाइज अभी भी मेडिटेशन करते हुए नजर आ। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग मस्त और मजे में होंगे। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी कुछ टाइम से, कुछ दिनों से मैं वर्सोवा विलेज में रहने लगा हूँ, और यहाँ रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी वर्सोवा विलेज के बारे में कुछ बताना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो भाई यहाँ रहने के बाद ये बात तो क्लियर हुई कि वर्सोवा विलेज जो है वो स्ट्रगलर्स लोगों की बहुत ही फेवरेट जगह है। स्ट्रगलर्स मतलब सिर्फ एक्टिंग के फील्ड के स्ट्रगलर्स नहीं, और भी बहुत सारे फील्ड के जो कि मुंबई आके कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने मेहनत से कुछ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये जगह जो है फेवरेट जगह दिखता है। और उसके बहुत सारे रीजन से, बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ साइड में कहीं पर एक लाल वाला बटन टपक रहा होगा, उसको जोर से दबाइए और चलिए मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वर्सोवा विलेज का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये रहा वर्सोवा विलेज का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वर्सोवा विलेज स्टार्ट होता है, आगे से ऐसा दिखता है वर्सोवा विलेज। तो गाइस इस तरफ अगर आप लोग जाओगे तो थोड़े ही आगे यारी रोड पहुँच जाओगे, और यारी रोड से अगर आप लोग सीधा चलोगे तो मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आप लोग आराम नगर पहुँच जाओगे। और वैसे तो आप लोग ये वाले रोड से भी आराम नगर पहुंच पाओगे, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो वाला रोड है जब आप लोग अंधेरी स्टेशन से वर्सोवा विलेज आओगे तो यही रोड से आप लोगों को आना होगा। तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोग भी अंधेरी स्टेशन से वर्सोवा विलेज आ रहे हो तो आप लोग या तो लोकल बस से आ सकते हो, या तो ऑटो से, या टैक्सी कैब किसी पर भी आ सकते हो। ज़्यादातर लोग ऑटो या फिर लोकल बस प्रीफर करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसका चार्जेस। तो बस यहाँ पर एसी और नॉन एसी चलता है। नॉन एसी में आप लोगों का 10 रुपये लगेगा स्टेशन से यहाँ तक, और एसी वाले में आप लोगों का 13 रुपये लगेगा। और ऑटो के बात मैं करूँ तो ऑटो मुंबई में तो मीटर वाले ही चलते हैं, तो मीटर में अगर आओगे तो आप लोग 60, 70, 80, 90, कभी कभी 100 तक लगता है यहाँ तक। ये डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर, अगर आप लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आप लोगों का ज़्यादा लगेगा, और अगर नहीं फंसे, रोड खाली है, तो आप लोग कम पैसे में भी जल्दी आ सकते हो। और यहाँ पर ऑटो शेयरिंग में भी चलता है, आप लोग एक बंदे का 20 रुपये लगेगा और स्टेशन से यहाँ तक आने का, तो एक ऑटो में 5-6 बंदों को भरेंगे और लेके आएंगे एक बंदे का 20 रुपये के हिसाब से। सबसे पहले तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार मुंबई का जगह का नाम भी विलेज, क्या सीन है यार यहाँ का। तो वैसे रीजन यही है, यहाँ के लोगों का रहने खाने का तरीका, काम करने का तरीका जो है वो सब कुछ गाँव वालों की तरह है, इसलिए इस जगह का नाम है वर्सोवा गाँव या वर्सोवा विलेज। तो वर्सोवा विलेज के ज़्यादातर लोकल लोग मछली का बिजनेस करते हैं, मतलब एक ही घर के आदमी लोग जो होते हैं वो समंदर के अंदर जाते हैं मछलियाँ पकड़ने, और औरतें जो होते हैं वो मार्केट में मछलियाँ बेचते हैं। ये सामने आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग मछलियाँ लेके आ रहे हैं, और सामने औरतें जो है वो मछलियाँ बेच रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छे से, सामने मछलियों का मार्केट लगा है, मछलियाँ बेच रहेंगे। तो चलो अब कुछ वर्सोवा विलेज के अंदर का नज़ारा भी देख लेंगे। और अंदर घुसते ही यहाँ पर सबसे पहले एक एटीएम है, और वैसे तो एटीएम वर्सोवा विलेज के अंदर बहुत सारे हैं, आप लोगों को पैसे के लिए वर्सोवा विलेज के बाहर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा तो शादी है, यहाँ आना पड़ेगा रात में। तो भाई जो वर्सोवा विलेज में बहुत सारे गलियाँ हैं, देखो अंदर गलियों के अंदर गलियाँ, बहुत सारे गलियाँ हैं। अगर आप लोग पहली बार आओगे यहाँ तो कन्फ्यूज हो जाएगा यार, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ये देखो यहाँ पर एक गली है, क्या है। तो यही है वर्सोवा विलेज का सीन, कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही घर, ऐसे ही बिल्डिंग्स है बहुत सारे, और इनमें से ही आप लोगों को रेंट में लेना है रूम। अगर रेंट के बारे में बात करें तो अगर आप लोग वर्सोवा विलेज के स्टार्टिंग में सामने ही अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा लगेगा रेंट, और अंदर जितना जाओगे, जितना अंदर आप लोग जाओगे गली में, उतने आप लोगों का रेंट कम पड़ेगा। तो बिल्डिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है रेंट, अगर बिल्डिंग अभी अभी नया बना है तो उसमें ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, अगर बिल्डिंग पुराना है, दादाजी का उम्र का है, बहुत ही पुराना, तो उसमें कम लगेगा, ये तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ लोगे। और अगर रेंट की बात यहाँ पर करें तो 1 आर के रूम आप लोगों को मिल जाएगा 5-6 हज़ार, 7 हज़ार में मिल जाएगा, लेकिन कैसा मिलेगा वो मैं नहीं बता सकता, कचरे के ऊपर भी मिल सकता है, टूटने वाला बिल्डिंग में मिल सकता है, इसलिए अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा वाला रूम चाहिए तो थोड़ा सा बजट ऊपर करो, 9-10-11 हज़ार। और 1 BHK की बात करें तो 1 BHK का स्टार्टिंग प्राइस कुछ यहाँ पर 8-9 हज़ार से है, 9-10-11-12-13-14-15-17-20 जैसा चाहो वैसा मिलेगा, डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कैसा है, कौन से जगह पर है, सब देख के लीजिए लेने से पहले, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़ेगा क्या ले लिया मैंने यार, क्या मुसीबत है, इसलिए सबसे पहले ही आप लोग सोच समझ के देख के लीजिए। अगर आप लोग चल चल के यहाँ पर रूम नहीं ढूंढ सकते तो आप लोग रियल इस्टेट वाले एजेंट को पकड़ सकते हैं, वो आप लोगों को आपको जैसा रूम चाहिए वैसा लाके देंगे, जितने बजट में चाहिए उतना लाके दे देंगे, लेकिन वो लोग उसके बदले में चार्ज करते हैं थोड़ा सा, और उसको बोलते हैं हम
ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज वो लोग लेते हैं जितना एक महीने का रेंट है आपके रूम का उतना ही लेंगे, और कुछ लोग डिस्काउंट भी करते हैं। आप लोगों को बात करके मनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? तो वो सब आप पे डिपेंड करता है कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। ओके, और अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न मारने वाले हैं क्योंकि हम जा रहे हैं बरसवा जेटी। इस तरह का है बरसवा जेटी, और मछलियां तो यार यहाँ पर इतना देखने को मिलेगा कि जितना आप लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और सच बताऊं तो यार बदबू भी बहुत ज्यादा आती है यहाँ पर मछलियों की, और उतना ज्यादा साफ सुथरा भी नहीं है ये एरिया, आप लोग देख सकते हो। और वहां सामने जो दिख रहा है वो है मड आइलैंड, और मड आइलैंड जाने के लिए आप लोगों को बरसवा जेटी से जेटी में चढ़ के जाना पड़ेगा उस तरफ। और जेटी यहाँ पर दो टाइप के चलते हैं, एक 5 रुपए वाले और एक 10 रुपए वाले। 5 रुपए वाले इकोनॉमी क्लास, 10 रुपए वाले बिजनेस क्लास, समझ रहे हो। तो वो जो सामने दिख रहा है वो है बिजनेस क्लास जो आ रहा है, और ये है 5 रुपए वाला इकोनॉमी क्लास जेटी जहाँ पर बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। और बरसवा विलेज में आप लोगों को बहुत सारे जिम भी मिलेंगे जो कि बिल्कुल बजट फ्रेंडली होगा आप लोगों के लिए। ज़्यादातर जिम के चार्जेस यहाँ पर 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक होगा। और अगर आप लोग 3 मंथ और हाफ ईयरली का चार्जेस पे करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, बहुत कम पड़ेगा यहाँ पर। तो ऐसा ही है वर्सोवा विलेज के गलियाँ, यहाँ पर जो चाहिए आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। इधर ही बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। तो पास में ही ऐसे बहुत सारे पार्क है जहाँ पर आकर आप लोग बैठ सकते हो, घूम सकते हो, टहल सकते हो, दोस्तों के साथ आ सकते हो, गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हो, है ना। और साइड में यहाँ पर गेम्स हो रहा है पूरा, क्रिकेट फुटबॉल खेलने का मन हो तो आकर आप लोग खेल सकते हो, कोई बात नहीं, हम भी आते हैं खेलने के लिए। तो गाइज यही रहा वर्सोवा बीच, कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे आप लोगों को क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 बजे सुबह के, और यहाँ पर सुबह के 6 बजे से लेकर 8, 8:30 बजे तक आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए नज़र आएंगे, कुछ लोग योगा, जिमनास्टिक और भी बहुत सारी चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप लोग भी यही एरिया में वर्सोवा में रहते हैं और रहने लगे तो यहाँ आओगे सुबह सुबह तो आप लोगों को माइंड फ्रेश हो जाएगा आप लोगों का, और दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरेगा। तो यहाँ आना मत भूलिए, बहुत अच्छा जगह है। तो गाइज अभी भी मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पर भाई साहब, क्या कर रहे हैं, चलिए ऐसा करते रहना चाहिए, सही बात है। सो गाइज ये टाइम में ज़्यादा लोग बीच में नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि ये टाइम अब कोई जॉब में जाता है, काम में जाता है, इधर उधर अपना अपना बिजनेस होता है अपना, है ना। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अभी इस टाइम में बीच का सफाई होता है, पीछे बहुत दूर अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं पास में जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। बीच का सफाई होता है 8 से 9 बजे कुछ यही टाइम में, पूरा बहुत सारे लोग आते हैं यार, 2-3-4-5 हज़ार लोग दिन भर में बीच में आते हैं, दिन में रात में। तो सफाई का मामला, तो सफाई तो करना चाहिए ना। गंदगी बहुत ज़्यादा होता है, एक दिन दो दिन ऐसे ही छोड़ दिया तो गंदगी तो यार बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यही है सफाई कर्मी बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से बीच सफा बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, ठीक है। यहाँ आने का मन भी करता है इसीलिए, नहीं तो पहले जब सफाई नहीं था, पहले बहुत ही पहले तो यहाँ बहुत ही गंदा था, मैं तो नहीं था ऐसा दिखता था वीडियो में, ठीक है। नहीं तो उस तरफ जहाँ पर फिशिंग होता है वहाँ पर ज़्यादा सफाई नहीं होता, अभी मैंने आप लोगों को वीडियो करके दिखाया था, वहाँ पर सफाई नहीं होता, बहुत ही गंदा स्मेल आता है वहाँ पर मच्छी का, पानी भी बहुत गंदा है उधर का, यहाँ का थोड़ा अच्छा है, सफाई होता है रोज। तो ऐसे सफाई हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ इस तरह का है बीच का पूरा नज़ारा। तो आज मैं अभी आया था उस तरफ से, वहाँ दूर से आया था, अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आराम नगर यहाँ से कितना दूरी में है। अब यहाँ से हम बीच से बाहर निकलेंगे, ठीक है, आओ। तो ये एरिया बहुत ही मस्त है, यहाँ पर कचरा भी नहीं है उतना सा, यहाँ के रूम भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये सी साइड को फेस करता है, यहाँ पर सी के बीच के बगल में है। तो आइए देखते हैं कितना दूरी में है आराम नगर वर्सोवा विलेज से। वर्सोवा विलेज से वर्सोवा बीच के अंदर घुस गया मैं, और बीच से बाहर निकलते ही हाईवे पर आ गए हम, जो कि ये रोड डायरेक्ट जाकर अंदर ही स्टेशन में पहुंचता है ये रोड। तो यहाँ से इस तरफ है वर्सोवा विलेज, उस तरफ आराम नगर साइड ही है गाइज, बस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहीं पर है वो, ये बस स्टॉप है, और बस स्टॉप उस तरफ जो ऑटो दिख रहा है वहीं पर अंदर घुसने का है, वही है आराम नगर पार्ट 2 का मेन गेट।
वहीं से अंदर जाते हैं आराम नगर पार्ट टू के लिए। ओके देखते आइए। तो गाइस अगर आपने मेरा आराम नगर वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं इसी गेट से अंदर आया था, आराम नगर पार्ट टू के साइड से हम उस तरफ से आए थे, अंधेरी के साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम ये यहीं से अंदर घुसे थे। ये आराम नगर का पार्ट टू का मेन गेट, यहाँ ये गेट से घुसते ही आप लोग पार्ट टू में आप लोग घुस जाओगे। यहाँ से मुकेश साबरा का ऑफिस, कास्टिंग बे और भी बहुत सारे कास्टिंग का इधर पास में ही है, ये देख सकते हैं। यहीं से मैं अंदर घुसा था, ये एरिया आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो गाइज़ यही सीन है, अगर आप लोग वर्सोवा विलेज एरिया में रहोगे तो आराम नगर आने के लिए आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लोग एक्टर हो तो आप लोगों को तो बहुत ही आसान होने वाला है वर्सोवा विलेज में रहने के बाद, क्योंकि वहाँ से कुछ 5-10 मिनट के अंदर आप लोग चल के भी आ सकते हो आराम नगर। और आराम नगर में बहुत सारे कास्टिंग कंपनियाँ है। ये है आराम नगर पार्ट टू गेट के अंदर से घुसते ही उस तरफ जाते आप लोगों को मुकेश साबरा सर का ऑफिस मिलेगा, कास्टिंग बे का और भी बहुत सारे है, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा अंदर जाके, आप लोगों को पूछना पड़ेगा क्या। इस तरफ आप जाते ही आप लोगों का पार्ट वन मिलेगा आराम नगर पार्ट वन, और यहाँ पर एंटी कास्टिंग और बहुत सारे ऐसे थोड़ा आगे जाओगे वो क्राइम पेट्रोल वगैरह का कास्टिंग होता है इधर, और भी बहुत सारे कास्टिंग्स है, आप लोगों को अंदर अंदर घुस के देखना पड़ेगा। बहुत सारे कास्टिंग ऑफिस अंदर खोपचे खोपचे में छुपे हैं, वैसे तो है ही आराम नगर पूरा खोपचे के अंदर, आप लोग जाके खुद ढूंढना पड़ेगा क्या क्या है। और आप लोग पूछ भी सकते हो लोगों से ये क्या है, कैसा है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए पहली बार आ रहे हो तो। ठीक है, आप लोगों को मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ही खोपचे खोपचे बहुत ही गलियां हैं यहाँ पर, आप लोग शायद भूल जाओगे। ठीक है, बताने के लिए तो बहुत ही सारी बातें थी लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से जरूर मिलेंगे, बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एसबीडी रोशन ब्लॉग।